बनारस की एक फैमिली बैंकॉक जाती है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है और आखिर क्या वजह है कि वो बैंकॉक में घूम रही है। ये फिल्म रिलीज होने जा रही है 6 अक्टूबर को और फिल्म का नाम है यात्री। बड़ा नहीं हुआ कभी तो मेरी बात तो बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत ही मजा आया। आइए बात करते हैं यात्री की टीम से। हमारे साथ हैं रघुवीर यादव, सीमा पावा और जेमी ली। मेरा पहला सवाल जेमी से है। जेमी, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने दूरदर्शन के दौर से यादगार सीरियल दिए है ना, और आज भी इनकी एक पहचान है कि एंटरटेनमेंट मतलब ये दोनों टॉप पे आते हैं और आप सोशल मीडिया स्टार हैं, तो ये कॉम्बिनेशन किस तरह का रहा यात्री इसमें? फर्स्टली आप ये जो रिश्ता है हमारा जिस आपने ट्रेलर में देखा ही होगा, दे आर प्लेइंग माई पेरेंट्स, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि ऐसे सीनियर एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करूँगी मैं। तो बहुत ही नर्वस भी थी और खुशी भी बहुत ज़्यादा थी, एंड बड़ा इट्स लाइक अ ऑनर कि मैं इनके साथ हूँ एक फिल्म में। सो बहुत ही अच्छा था एंड वेरी डिफरेंट, जो मैं कर चुकी हूँ उससे तो काफ़ी अलग, और दोनों ही अपने इस फील्ड में इंस्टीट्यूट हैं, देयर एन इंस्टीट्यूट इन देमसेल्व्स, तो बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत ही मज़ा आया। तो क्या एक एक खास बात बताइए आप? तो सर की बात है कि एक तो वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और जहाँ पर होते हैं, जहाँ भी होते हैं, सब में खुशी बांटते हैं, ही ट्राइज टू मेक एवरीबॉडी लाफ, गाने गाते रहते हैं और एक पॉजिटिव माहौल बना देते हैं, एंड जो भी करते हैं वो बहुत ज़्यादा 100% उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, उस मोमेंट में जीना कहते हैं ना, ही लिव्स इन दैट मोमेंट। यहाँ भी हैं तो यहाँ 100% है, सबके साथ एंजॉय करें, पॉजिटिव एटीट्यूड, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो। सीमा मैम बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, एकदम ट्रूली मदरली वाली फीलिंग मुझे मिली है उनसे, बहुत ज़्यादा केयरिंग, और हमारी तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है इस फिल्म के दौरान, हमने बहुत मज़े किए। शी इज़ वेरी केयरिंग एंड शी इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली बात है अपने आर्ट के प्रति बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड एंड डेडिकेटेड हैं, एंड शी वॉज ऑलवेज इम्प्रोवाइजिंग, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ये चेंज कर सकते हैं, इस डायलॉग को इसको बेटर बना सकते हैं, हमेशा पॉइंटर्स देती थी कि जेमी तुम यहाँ से आओ या हम ये ऐसे इसको इस तरह से करेंगे। सो शी वॉज वेरी एक्टिव एंड देयर वाज सो मच टू लर्न, छोटी छोटी चीज़ें, जस्ट इनके प्रेजेंस में रहना वाज बिग थिंग फॉर मी और मैंने बहुत कुछ सीखा। सीमा जी, आज जब सब अकेलेपन की बात करते हैं, एकल फैमिली की बात करते हैं, उस दौर में एक फैमिली बैंकॉक घूमने जा रही है, तो इस बारे में हमें कुछ बताएं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ना अपने आप में ही, आप ही ने कहा कि अब सब अकेले होते जा रहे हैं और उसमें एक ऐसी फिल्म का आना जिसमें एक फैमिली की बॉन्डिंग के बारे में बात की जा रही है, उनके साथ में होने को ज़रूरी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो इसी से ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑडियंस के लिए कि हम बहुत सालों से इस चीज़ में लग गए हैं कि हम अलग अलग फैमिली बसाने के लिए, और उसकी शुरुआत हमारी जनरेशन ने की थी, हम ही उसके कसूरवार हैं कि हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से अलग होके अपने घरों को बसाने की कोशिश की, और आज हम जब अपने बच्चों को देखते हैं या अपने बच्चों वाली जनरेशन को देखते हैं तो हमें इस बात का बहुत अफसोस होता है कि ये जो अलग हमने कर दिया इन लोगों को, ये एक्चुअली में इन्होंने क्या क्या मिस किया है। तो मुझे लगता है अगर कोई भी फिल्म या कोई भी ड्रामा या कोई भी वेब सीरीज़ अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है तो आज की सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। रघुवीर जी, आप बताएं कि इस फिल्म में वो क्या खास बात है जिसके लिए हमें इसे देखना चाहिए? खास बात ये है कि हमें फैमिली को लेके क्यों बाहर जाना चाहिए, क्यों नहीं हमेशा ही फैमिली के साथ घर में ही घुसे रहना चाहिए। तो ये है कि अगर फैमिली को सही मायने में फैमिली बना के रखना है, जोड़ के रखना है, तो उनको वक्त दीजिए, और अगर थोड़ा वक्त देंगे, और वक्त घर में नहीं दिया जा सकता, घर से बाहर ही वक्त दिया जा सकता, और थोड़ा सा और ज़्यादा बाहर निकल जाइए, नहीं कि इस घर से जाके दूसरे घर में घुस जाइए, थोड़ा सा मोहल्ले से फिर शहर से और थोड़ी जितने दूर जाएंगे उतने ही ज़्यादा परिवार को एक दूसरे को समझने में शायद मदद मिल जाए या समझने का एहसास हो। तो इस फिल्म से मुझे यही लगता है कि घर में रह रहे के वो ज़्यादा एक ही घर में रह के वो जो कला जो शुरू हो जाती है, बाहर अगर चले जाएंगे तो सारी कला ख़त्म हो जाएगी और आके फिर एक परिवार बन के फिर लौटेगा और फिर सारे लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। जी, आप लोगों का 4 दशक का लगभग करियर है, आप लोगों ने दूरदर्शन से लेकर सिनेमा तक में अपनी पहचान बनाई, OTT पर भी आप लोग छाए हुए हैं, तो किस तरीके से सिनेमा बदला है?
आप लोग आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं जितने पहले थे, तो क्या वजह देखते हैं कि बीच में एक दौर था वो गुजर गया और ये दौर लौट गया, तो इसकी क्या वजह है? वजह तो सोसाइटी होती है, हम जिस तरह के हैं उसी का रिफ्लेक्शन हम दिखाते हैं फिल्मों में या वेब सीरीज़ में, कोई अलग से दुनिया नहीं दिखाई जाती है, और उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसे कैसे बदली है। और मुझे लगता है बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, अगर बदलाव नहीं होगा तो हम एक ही सी चीज़ देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो अभी जो ये दौर चल रहा है ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, अभी कोई एक नया फॉर्मेट आएगा जिसमें नए तरीके से, अब हम एक्टर्स की ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जो जैसे जैसे वो दौर बदल रहा है वैसे वैसे हम अपने आप को अडेप्ट करें और हम उसमें ढलें ताकि उस नई टेक्नोलॉजी को भी फेस कर सकें और अपना वहाँ पर भी अपना 100% दे सकें। तो एक्टर की जिम्मेदारी बड़ी है, और हम जिस तरह के स्कूल से बिलोंग करते हैं, जिस एक्टिंग स्कूल से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमें पढ़ाया ये गया, सिखाया ये गया है कि अब हमेशा अपने आप में बदलाव और अपने आप को अपडेट करना ही जीवन है। तो वैसे भी अगर आप पर्सनल लाइफ में भी देखें, अगर आप अपने बच्चों के साथ उनके दोस्त नहीं बनते हैं तो आपको नुकसान होता है, तो ऐसी मीडिया के साथ हमेशा उसका दोस्त बने रहना ज़रूरी है, वही काम हम भी कर रहे हैं। तो ये भी कहीं लगता है कि कहानियाँ अब ज़्यादा ज़मीन से जुड़ी हुई आ रही हैं? जी, ज़मीन जो छूट गई थी, हाँ अभी थोड़ी ज़मीन पकड़ी है, उसी ज़मीन की वजह से लोग ज़मीन पर बैठ के देखने लग गए। तो रघुवीर जी, आपने 1989 में अगर हम बात करें तो मुंगेरी लाल से हम लोग आपकी पहचान बनी जी, फिर आप मुल्ला नसुद्दीन बन के आए जी, तो वो एक एक्टर के तौर पे वो क्या चीज़ है जो आप में इतनी एनर्जी और अपने आप को लगातार बदलाव करने के लिए प्रेरित करती है, वो क्या चीज़ है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं बड़ा नहीं हुआ कभी, मैं मुझे बस वही है कि मुझे अभी भी लगता है मैं 6-7 साल से ज़्यादा बड़ा हुई ही नहीं, मैं तो सीखता रहता हूँ और वही एनर्जी बरकरार रहती है, पता नहीं क्यों नहीं बड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ मैं। और सीखने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, और अभी तो ये लगना है कि सीखने के लिए उम्र बड़ी छोटी सी है, कई जन्म ले लें तब भी नहीं सीख पाए, क्यों इतना कुछ पड़ा हुआ है इस जहाँ में, इस कायनात में, इस सृष्टि में, कि एक जन्म बहुत छोटा सा लगता है। तो बस वही है कि बस सीखने की ख्वाहिश रहती है, और सीखने की ख्वाहिश में फिर बस वो सुबह लगता है स्कूल की घंटी बज गई, आपको स्कूल जाना ही है। तो कौन सा किरदार है जिसे अभी भी इच्छा है कि इसे करना चाहते? बहुत सारे हैं, कोई एक थोड़ी, मैं बैंकॉक करना चाहता हूँ जो है मेरे इसमें, पता नहीं क्यों। तो सीमा जी आप बताएं कि अभी आपकी भी जर्नी इतनी अच्छी रही है ना, आज फिर आप एक दोबारा लोगों का दिल जीत रही हैं, तो एक 30 सिनेमा को लेके जो आपको लगता है कि हाँ यार ये बात मुझे आज भी परेशान करती है, आज भी परेशान करती, परेशान करती, जो सिनेमा या मौजूदा दौर है जो जी, उसमें एक बात जो उसकी आपको तंग करती है? परेशान तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि मुझे थोड़ा झूठ से नफरत है। ओके, मतलब आपकी कहानी जितनी है आप उतनी ही कहानी कह दीजिए, अगर आप उस कहानी को और बढ़ा चढ़ा के और उसमें ऐसी चीज़ें डालने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं जो सच नहीं है आपकी कहानी का, मतलब मेरा शायद इनडायरेक्टली ये कहना है कि अपने ट्रैक्स क्यों चेंज हो जाते हैं लोग, मेरी कहानी का मुद्दा क्या है, बस मेरी वही सच्चाई है, उस मुद्दे के आसपास बेमतलब की चीज़ें परोस परोस के जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका स्पेशलिटी मेरी कढ़ी चावल है तो मैं कहूँ मैं कढ़ी आपको खिलाऊंगी, आपको पसंद है ना मेरे हाथ की कढ़ी, मैं आपको कढ़ी खिलाऊंगी, और कढ़ी के साथ मैं भरता, अचार, मिट्टी, जाम, झूठा, थूम, पनीर सब भर देती हूँ, लीजिए आप खाइए मेरी कढ़ी, तो आप कहेंगे अरे कढ़ी ही तो खानी थी, ये क्या है साथ में, तो मेरे तो कढ़ी का भी स्वाद ख़त्म हो गया। तो ऐसा हमारी फिल्मों के साथ हो गया है कि हम इतना टू मच उसमें सारी चीज़ें भर देना चाहते हैं, 100 ट्रैक भर देना चाहते हैं, 100 कलाकार भर देना चाहते हैं, क्योंकि हम पैकेज बना रहे हैं, फिल्म नहीं बना रहे। मेरी फिल्म में कितने एक्टर मैं जमा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कितने पैकेज में दे सकती हूँ इनको ताकि वो ऐसे हो जाए वाओ इतने सारे एक्टर एक साथ, ये अट्रैक्शन है मेरी फिल्म का। मैं मुझे नहीं लगता ये फिल्म का कोई अट्रैक्शन हो सकता है, फिल्म का अट्रैक्शन तो उसकी कहानी ही हो सकता है, तो अगर आपके पास कहानी है तो ये सब क्यों करते हैं, तो उससे मुझे प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए फिल्मों में। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया, फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर मेरी बात तो ही प्रोग्राम।